तो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डोमिनेंट सेवेंथ कॉर्ड के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग सेवेंथ कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले सेवेंथ कॉर्ड का फॉर्मूला, सेवेंथ कॉर्ड का फॉर्मूला क्या है? 1 3 5 7 फ्लैट। अब मैं सबसे पहले उस फ्लैट साइन के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, किसी भी नोट के ऊपर अगर फ्लैट का साइन लग जाता है, दैट मींस कि उससे हाफ नोट बैक नोट को मानना होता है हमें। ठीक है, उस नोट का जस्ट हाफ नोट बैक कर देते हैं। अब यहाँ पे सेवेंथ कॉर्ड के लिए हमको ढूंढना है कि किसका हम सेवेंथ कॉर्ड फाइंड करें। तो मैं सबसे पहले ए सेवेंथ कॉर्ड फाइंड कर रहा हूँ, आप उसकी हेल्प से कोई भी सेवेंथ कॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ए सेवेंथ कॉर्ड फाइंड करें, उसके लिए हमें जरूरत होगी, सबसे पहले जरूरत है मेजर स्केल की। तो हर जगह मेजर स्केल यूज में आ रहा है, तो आप लोगों को ये देखना होगा कि मेजर स्केल को याद रखना है आपको हमेशा। ए का मेजर स्केल जो है वो क्या है, देखिए, ए देन बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प देन ए। 1 3 5 7 फ्लैट। अब इसको नंबरिंग दे दीजिए सिंपल। तो 1 से नोट क्या आएगा हमारा, ए। 3 से क्या आएगा, सी शार्प। 5 से क्या आएगा, ई नोट। और 7 फ्लैट से दैट मींस जी शार्प फ्लैट। तो जी शार्प हम नोट कर देते हैं। और देखिए, मैं समझाने के लिए आपको यहाँ कर देता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, ए नोट हो जाएगा, देन सी शार्प, देन ई, देन जी। मैंने अभी बताया था आपको कि ये फ्लैट साइन लगने से वो नोट बैक हो जाता है हाफ। तो अब ये फाइंड कैसे करेंगे हम, ए सेवेंथ कॉर्ड। ए सेवेंथ कॉर्ड फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो फ्रेट बनाने हैं। वही सेम मेथड हम यूज करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में सस्पेंडेड कॉर्ड के टाइम पे बताया था, ई बी जी डी ए एंड ई। सॉरी, एक स्ट्रिंग एक्स्ट्रा हो गई। अब देखिए, ये हमारे 3 फ्रेट्स हो गए गिटार के, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्रेट। ठीक है, इसको हम म्यूट कर रहे हैं दोबारा से, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। नेक्स्ट, अब कौन कौन से नोट्स हैं हमारे पास, ए सी शार्प ई एंड जी नोट हैं। ये 4 नोट हैं, 4 नोटों को हमें इन वायर्स पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले ओपन नोट्स देखते हैं हम। देखिए, ओपन नोट्स का मतलब क्या है, इन नोटों को यहाँ चेक करना होता है कि क्या मैच कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम आते हैं 5th स्ट्रिंग पर। तो यहाँ देखते हैं कि ये इस नोट का नाम है ए, और ए यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट मीन्स कि ये मैच कर रहा है। तो हम ए नोट को ओपन छोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट नोट इज डी। डी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम इस डी के अंदर सर्च करेंगे 1 बाय 1 नोट। डी के बाद यहाँ आएगा डी शार्प, जो कि फिर मैच नहीं कर रहा है। और डी शार्प के बाद ये वाला नोट क्या है, ई, जो कि मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पर पॉइंट कर देंगे। ओके, जैसे ही ये नोट मैच कर जाता है, हमें पॉइंट लगाना होता है उस जगह पर। नेक्स्ट नोट इज जी, और जी वहां अवेलेबल है, दैट मीन्स कि ओपन छोड़ देंगे। नेक्स्ट नोट इज बी। बी वहां अवेलेबल नहीं है, इसके बाद हम अंदर यहाँ सर्च करेंगे, दिस नोट इज सी, जो कि वहां भी अवेलेबल नहीं है। सी के बाद नेक्स्ट है नोट सी शार्प, वहां अवेलेबल है, तो सी शार्प जैसे ही मैच करेगा वैसे ही हम यहाँ पॉइंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नोट आ गया है ई। देखिए, ई वहां अवेलेबल है, आप दोबारा से स्मॉल ई और कैपिटल ई में कंफ्यूज ना हो। स्मॉल ई मैंने नोट डाउन किया है यहाँ पर, गिटार का जो फर्स्ट वायर है, जो सबसे पतला वाला वायर होता है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल ई।
और टॉप जो वायर है उसको बोलते हैं कैपिटली, लेकिन नोट्स की भाषा में एक तरीके से वो दोनों एक ही हैं। तो ई वहां मैच कर रहा है, दैट मीन्स कि ओपन छोड़ना है हमें। अब ये कॉर्ड्स हो जाती है हमारी ए सेवेंथ कॉर्ड। इस कॉर्ड को कैसे प्ले करेंगे मैं एक बार बता देता हूँ आपको गिटार पे। देखिए ए सेवेंथ कॉर्ड के लिए हम ये फिगर यूज करेंगे जिसको हम सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर से डिनोट कर सकते हैं। दैट मींस कि यहाँ सेकंड फिंगर और यहाँ थर्ड फिंगर का यूज करेंगे। अब देखिए इसका साउंड कैसा है। हाँ बड़ा सस्पेंस सा साउंड है ना। तो सेवेंथ कॉर्ड का वहां यूज होगा जहां थोड़ा सा सस्पेंस होगा, या फिर ब्लूज सॉन्ग्स में हम लोग यूज करते हैं सेवेंथ कॉर्ड को। आप इस चार्ट की हेल्प से बाकी के अदर सेवेंथ कॉर्ड भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।